टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के ठाकुरपाड़ा में रात करीब 2:30 बजे के आसपास में समीर शशिकांत पात्रे की धारदार हथियार से वार करके जान ले ली गई है। जान लेने वाला कोई और नहीं बल्कि ठाकुरपाड़ा का ही रहने वाला अंकित राजेंद्र गुप्ता है। इस वारदात की सूचना जैसे ही मुंब्रा पुलिस को मिली, घटना स्थल पर मुंब्रा पुलिस पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल भेज दिया गया है। आरोपी अंकित राजेंद्र गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार एक्टिवा से जैसे ही समीर शशिकांत पात्रे ठाकुरपाड़ा की गली के सामने पहुंचे और पहले से ही मौजूद अंकित राजेंद्र गुप्ता ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और हथियार से हमला होने की वजह से घटनास्थल पर ही समीर की जान चली गई। मुंब्रा पुलिस ने बताया कि दोनों के बीच में काफ़ी दिनों से किसी बात को लेकर वाद विवाद चल रहा था और इसी विवाद की वजह से अंकित ने समीर पर हथियार से हमला किया और उसकी जान चली गई। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड़ ने इस पूरे मामले में क्या कुछ बताया है, सुनिए। सर, रात में जो मर्डर की घटना हुई है, किसका मर्डर हुआ है, आरोपी का क्या नाम? ठाकुरपाड़ा में जो फिरादी है संतोष बिरजे, इन्होंने फिरादी दिया है कि समीर शशिकांत पात्रे इसको अंकित राजेंद्र गुप्ता ने, उनके कल कुछ झगड़े हो गए, वो बैठने के ऊपर से अभी 3 बजे 2:30 से 3 बजे के दरमियान उसको मारा गया, चाकू से मार किया था और उसमें उसकी डेथ हो गई, तो आरोपी को अरेस्ट किया हुआ। ये जानकारी आती सर कि कोई में कुछ पुरानी रंजिश थी ऐसा? उनके एक महीना पहले कुछ झगड़े हुए थे, 6वें महीने में उनके कुछ झगड़े हुए थे, उसके ऊपर से कल रात को उन्होंने उसको मार दिया। कितने वार किया? कितने? अभी वो पोस्टमार्टम में पता चलेगा। क्या गुना दाखिल? 302 के मुताबिक गुना दाखिल किया है, आरोपी को अरेस्ट किया है।